हेलो स्टूडेंट, इलेवेंथ क्लास बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन में आज हम बायोलॉजी की हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 1590 से, जेकेरियस जेनसन एंड हैंस जेनसन। जेनसन एंड जेनसन, इन्होंने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी इनलार्ज करके देखा जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मेनली माइक्रोस्कोप्स के ये दो टाइप्स यूज़ किए जाते हैं। बायोलॉजी लेबोरेटरी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन जेकेरियस जेनसन एंड हैंस जेनसन, जेनसन एंड जेनसन ने किया। नेक्स्ट 1665 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रॉबर्ट हुक डिस्कवरर ऑफ सेल। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। अपनी कौन सी बुक में इसका डिस्क्रिप्शन किया? बुक माइक्रोग्राफिया। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल्स थी। रॉबर्ट हुक ने प्लांट के कोर्क, प्लांट के स्टेम के बाहर की जो कोर्क है उसकी बिल्कुल थिन स्लाइस को कट किया और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में जब उसे ऑब्जर्व किया तो स्मॉल चैम्बर्स, इस तरीके के चैम्बर्स उन्हें इस कोर्क की स्लाइस के अंदर दिखाई दिए। इन छोटे छोटे चैम्बर्स को रॉबर्ट हुक ने नेम दिया सेलुला, और इसी सेलुला से बाद में सेल वर्ड डेराइव हुआ। तो डिस्कवरर ऑफ सेल, एक्चुअल में ये जो सेल थी कैसी सेल थी? डेड सेल्स थी। तो रॉबर्ट हुक 1674 इंपॉर्टेंट है, ए वी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक डच साइंटिस्ट। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने भी अपनी माइक्रोस्कोप में स्पर्मेटोजोआ और बैक्टीरियल सेल जैसी लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इनकी डिस्कवरी की। तो डिस्कवरर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल के डिस्कवरर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1665, रॉबर्ट हुक 1674, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, दोनों साइंटिस्ट डिस्कवरी ऑफ सेल से कनेक्टेड हैं। 1682 एन ग्र्यू, इन्होंने प्लांट एनाटोमी की स्टडी की। स्टडी ऑफ प्लांट एनाटोमी, एनाटोमी एक्चुअल में लिविंग बींग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो एनाटोमी है। तो प्लांट एनाटोमी की स्टडी किसने की? एन ग्र्यू ने। इन्हें फादर ऑफ प्लांट एनाटोमी भी कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट एनाटोमी। 1694 कैमिरेरियस, इन्होंने प्लांट्स के अंदर होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स है वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? फ्लोवर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया कैमेरेरियस ने। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1727, स्टीफन हेल्स, इन्होंने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्होंने लीव्स और सन की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि लीव्स और सन का इम्पोर्टेंट रोल है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। स्टीफन हेल्स ने बताया, इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। फिजियोलॉजी लिविंग बीइंग की बॉडी में चलने वाली जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनकी स्टडी फिजियोलॉजी है। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 1753, कैरोलस लीनियस। इन 1735 इनकी बुक थी सिस्टिमा नेचुरी। इस सिस्टिमा नेचुरी बुक में इन्होंने लिविंग बीइंग के साइंटिफिक नेम की बाइनोमियल नोमनक्लेचर जो है वो प्रेजेंट किया।
जैसा कि आप जानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आगे हम इसको डिटेल में भी करने वाले हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी लिविंग बीइंग के साइंटिफिक नेम के दो वर्ड्स है। फर्स्ट वर्ड उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। यही जो नोमेनक्लेचर की साइंटिफिक नेम रखने का जो मॉडर्न या हम कहें कि साइंटिफिक जो नोमेनक्लेचर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस ने प्रेजेंट किया सिस्टीमा नेचुरी बुक के अंदर। इन 1753 इनकी बुक स्पीसीज प्लांटेरम, इन्होंने प्लांट्स का सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मींस प्लांट्स को उनके सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया। इम्पोर्टेंट, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फर्स्ट ग्रीक प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें प्लांट्स या एनिमल्स उनका नोमेनक्लेचर, उससे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है नोमेनक्लेचर, और उसके बाद में उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फर्स्ट ग्रीक प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो ये बायोलॉजी की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।